जिसमें 30 साल की मेरी राजनीतिक सेवाएं हैं और 16 वर्ष तक मेरी देश के कोने कोने में आर्मी के द्वारा सेवाएं रही हैं, जिसमें राष्ट्रपति तक का मुझे पुरस्कार मिला था। आज मैं एक बार फिर भारतीय राजनीति के बदलते क्रम पे और जिस तरह से संस्कारों को चुनौती मिल रही है और जिस प्रकार से इस देश में एकाधिकार जमाया जा रहा है, इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटकर एक लीक लाइन दी जा रही है, ऐसे में एक पढ़ा लिखा नौजवान जो भारत के इतिहास में पढ़ाई लिखाई से लेकर और अशुद्धता की ओर मेरे निगाह में है, उनका नाम माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं उनके बुलावे पर, उनके आमंत्रण पर और अपनी इच्छा पर कल दिनांक 27 तारीख को लखनऊ में इस प्रदेश के प्रभारी माननीय गौर जी और इस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों सदस्यता लिया और उसी समय माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब सदस्यता तो एक कोरम था, लेना ही पड़ेगा, ले लिया आपने। मेरे सामने ही 68 सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी घोषित किया। मैं आज इस बिंद रीजन के राजनीति में सदस्यता लेने से पहले मैंने उनसे 5 प्रश्न रखा था, एक पृथक बिंद का मुद्दा जो मैं नहीं छोड़ सकता किसी भी पार्टी में रहो। गोबर प्लांट और गोबर की खरीदी हो, किसानों का भला हो, एरा प्रथा बंद हो, एक्सीडेंट कम हो और गोबर के कारण हमारे किसानों की आमदनी दुगनी की जा सकती है और स्वास्थ्य लाभ दिलाया जा सकता है, खून पसीने के पैसे के गाढ़ी कमाई से उन्नति हो सकती है जो बिना रोग ब्याज के। तीसरा, नौजवान बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की भी बात मैंने की उनसे। और सबसे बड़ी बात जो दोहन है हमारे इस बिंद क्षेत्र का, उसमें यहाँ अभी हीरा और सोना मिलने की भी संभावनाएं जागृत हुई है, उत्तर प्रदेश में उसका ठेका है। मैंने कहा अगर कभी आपकी सरकार आती है या आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, तो हमारे बिंद को कितना सपोर्ट मिलेगा। ये तमाम बातों पर उन्होंने स्वीकारिता दी और उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मैं बढ़ चढ़ के अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं भी बनी और बिना हमारे इस बार इतने प्रयास करिए तिवारी जी और हम भी कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट सरकार हमारी नहीं बनेगी, ये बेबाक बात मैं कह रहा हूँ, कोई नेता नहीं कहता। नेता तो कहते हैं हमारी सरकार बन रही है, मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, पर उन्होंने और अपने मुँह से ही कहा कि हम इतने कैंडिडेट मध्य प्रदेश में जीतेंगे जिताएंगे जो सरकार का इंजन हमारे पास होगा, चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, सारे इंजन हमारे इंजन के सामने फेल होंगे और आप पूरी ताकत से सब जगह आप भी प्रयास करिए। यद्यपि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय नहीं है, बाहर हैं, हमारे यहाँ जो इस जिले के जिला अध्यक्ष हैं माननीय एडवोकेट पांडे जी, कमलेन पांडे जी आपके सामने उपस्थित हैं, जो एक प्रोसेस होता है किसी भी पार्टी का। अभी हमारे जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष लाइन पर है, बेला के पास तक आ गए हैं, माननीय महेंद्र मिश्रा जी, और जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं समाजवादी से, सिंगरौली से, वो भी आ सकते हैं, पर क्योंकि हमारी एक कुछ बैठकें होगी छोटी मोटी, आगे की रणनीति बिंद की बनेगी। इस कारण से आज मैंने प्रेस इसलिए बुलाया कि हमारे जो उद्देश्य पवित्र थे उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकारिता दी और उन्होंने अपने आगमन को कहा कि मैं इसके पहले, चुनाव के पहले आऊँगा। ये जानकारी 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच उनका आगमन होगा, मैं तारीख निश्चित करके उनको बताऊंगा और फिर चुनाव में भी आएंगे। आज प्रेस के सामने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक पार्टी नकदी बांट रही है इन लियू ऑफ वोट और दूसरी पार्टी उधारी की वादा कर रही है। एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश को
ऐसे बारी बारी से बढ़िया सेटिंग जमाए हैं कि एक नकदी दे रहा है, एक उधारी का वादा कर रहा है। ये लोकतंत्र नकदी या उधारी में चला गया, इसकी तो वास्तविक आत्मा ही बिक रही है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरा ताम झाम संभाल लूंगा, मगर मैं गारंटी के साथ यहाँ की जनता को और बिंद क्षेत्र के लोगों को, मैंने कई बार तप दिया है, माँ जानकी की तरह हमको तपाया गया है, जनता ने तपाया है, और मैं खड़ा उतरा हूँ। चाहे मऊगंज जिला बनाने का कोई श्रेय लेता हो आज, चाहे यहाँ पर गाली गलौज बंद कराने का कोई श्रेय लेता हो यहाँ का, चाहे फैक्ट्री में जेपी में हमको जेल जाना पड़ा हजारों लोगों के साथ कई दिन पत्थर में पड़े रह के, चाहे रोजगारी का मामला हो, चाहे और कई मामला हो, हरियाणा के जैसे मुद्दे पर आज कोई जिले में प्रदेश में बोलने वाला नहीं है, चाहे कई मुद्दा हो आज उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। परंतु मैंने जो किया है ईश्वर को साक्षी मान के किया हूँ, और फिर आज मैं ईश्वर को साक्षी दे के कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ, मुझे अखिलेश यादव जैसे पढ़ा लिखा व्यक्तित्व और कहीं ना कहीं समानता का विचारधारा, और फिर जहां तक राजनीति का सवाल है तो सिरमौर में अखिलेश यादव जी की वोट है, उसको कोई दोहन नहीं कर पाया या नहीं कर पाता तो अलग विषय है। मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच हूं, और कल मैं सदस्यता ग्रहण किया हूं, आज प्रेस के सामने हूं, भोपाल में भी, काहे की किस चीज की संभावना आपको लेकर आपकी पार्टी। लक्ष्मण तिवारी को वहां की जनता, आदिवासी समाज, खैरवार समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, माझी समाज, केवट समाज, और जो हमारे और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो इतना अधिक लाइक कर रहे हैं कि मेरे 30 साल के राजनीतिक जिंदगी में मैं पहली बार अनुभव किया कि इतने लोग लक्ष्मण को पसंद करने वाले हैं। और फिर जिस मैं जात का हूँ, तो जिस जाति देश में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वो तो रहेगा ही। क्योंकि अभी तक मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे भाजपा, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले वहाँ के लोगों को, और उनका मन व्यथित है, और सत्ता के विरोध में एक हवा है, लाडली ओडली एक तमाशा है। लाडली तो जटने का, ठगने का, जैसे पहले बच्चों को टाफी दे देते थे, लेबिन चुस दे देते, ठगते थे। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थोड़ी कर रहे हैं, वो तो नाच रहे हैं, जैसे कोई महफिल में नाचता है ना, एक माइक पकड़ लेते हैं, इधर भी नाचे, इधर भी नाचे, इधर भी नाचे, नचौना कर रहे हैं। उन नचौना से लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को और अच्छे लोगों को ये नाच नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि हर महीने 1500 करोड़ रुपए लेना ये किसके असर पर जाएगा। जो 325 रुपए का जीरा था प्रति किलो, वो 825 हो गया। जो एमडीएच का पैकेट, ये हिसाब ही नहीं लगाता आदमी, उसमें बड़े बड़े चीजों में लगा है। जो एमडीएच का पैकेट था 22 रुपए का था, आधा कुक्का खाली रहता है डेकोरेशन, जैसे लवण भास्कर चूरन में नीचे रहता है बाकी सब ऊपर खाली, ऐसे ही ये लवण भास्कर चूरन हो गया जनता को बना रखे। सिरमौर में रिकॉर्ड वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीते, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा नहीं, रिकॉर्ड वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सिरमौर में जीते। आपका प्रतिद्वंदी कौन है? हमारा प्रतिद्वंदी कोई नहीं, जब रिकॉर्ड वोट में जीतेगा तो प्रतिद्वंदी कौन? ऐसे पैसे वाले वोट चाट के अलौट जाएंगे, जैसे मऊगंज में अरबों रुपए का एक मालिक आरटीओ पार्टियों में इधर उधर कहीं रहता था, मैं नाम नहीं लेता इनका, लौट आए ऐसे और राजनीति बंद कर दिया। वो आप याद करिए कौन हो सकता है, कुर्ता पैजामा उतार दिया, वही लक्ष्मण है। हम बहुत पैसे वालों को प्रमुख नेते, पैसे वालों का वोट पैसे वाले बांटेंगे, अब बिना पैसे वाले का वोट एक एक वोट लक्ष्मण तिवारी को मिलेगा। मऊगंज जिला बनाने का आंदोलन आपने उस दौर में खड़ा किया जी, अब जब मऊगंज जिला बना, शिवराज सिंह चौहान महिंदर को भी जिला बनाने जा रहे हैं, ये छोटे छोटे जिले बना के पार्टी के पक्ष में माहौल तो बना रहे हैं। सिरमौर के स्थानीय मुद्दे लगातार हावी रहे पहले, पर वोटिंग डायमेंशन घूम जाता है जातिगत आंकड़ों पर, बिल्कुल जाति के हिसाब से बट गया, किस हिसाब से बट गया, तो वहां पर फिर कैसे चीजों को डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्योंकि वो डैमेज करने का ही मेरा तरीका है, मैंने जिन जिन जातियों का नाम लिया ये डैमेज कंट्रोल है। दूसरा, सिरमौर में जो मेरा उद्देश्य मिशन है, हैंडपम्प नहीं है मेरा मिशन, बिजली का ट्रांसफार्मर जला पहले नहीं है, ये तो रूटीन काम है, होगा ही। जो दमदार कोई अगर होगा वहाँ एमएलए एमपी, वो जो दमदार होगा उसके नाम पर काम हो जाएगा। वहाँ मेरा मिशन है
जैसा चौराहट की तरफ आप लोग गए होंगे, जो चौराहट का टनल है वो टनल हमारा नीचे से जीरो से ऊपर स्वर्गीय माननीय शास्त्री जी के कॉलेज में आके निकलेगा और वो 1 मिनट और 43 सेकंड में हम वो पूरा पहाड़ क्रॉस कर देंगे। एक्सीडेंट बचेगा, मोड़ बचेगा और जो घाट तराई नीचे और ऊपर का मामला चलता है वो खत्म हो जाएगा और हम कानपुर प्रयागराज मानिकपुर डायरेक्ट जोड़ देंगे हम रीवा से और सिरौली से जुड़ जाएगा, हमारा मैहर से जुड़ जाएगा, अनूपपुर से जुड़ जाएगा। ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है केवटी में, कभी सर्वे हुआ है 22 साल पहले, केवटी से हजार लिंग की, विश्व में हजार लिंग की कहीं नहीं। मैं आपको अभी मैं अगले महीना एक किसी त्यौहार पर जिसमें आप लोग फ्री रहेंगे आपसे चर्चा करेंगे, हम पूरा रीवा के पत्रकारों को वहाँ हम लंच देंगे। आप देखिए हजार लिंग की विश्व में कहीं नहीं, वो हमारे वहाँ हजार लिंग की है। केवटी से हजार लिंग की बाया लोकेश्वर जानात ये जोड़ने काम करें। मैं इस संदर्भ में माननीय गडकरी जी से बात भी कर चुका हूँ। मैं इसलिए जोर नहीं लगाया पहले कि काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा तो लक्ष्मण तिवारी वही मोहन जिला टाइप का हो जाएंगे, इसलिए वो काम होगा। हमारा डभौरा, कभी हम सामान्य ज्ञान में पढ़ते थे कि रीवा जिले में कौन से स्टेशन है, एकलौता स्टेशन था डभौरा। और इतनी दुर्गति है कि वहाँ 5 कुर्सी नहीं बैठने के लिए, वहाँ लेट बाथरूम महिलाओं के लिए नहीं है, ट्रेन अक्सर लेट हो जाती तो वहाँ पानी बरसने लगे तो कहीं छाया नहीं है, कहीं एक कंटीन नहीं है, कहीं एक ठेला नहीं है। और वहाँ डभौरा की जो दुर्दशा है, पूरे भारत में ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं होगा जितना ये अनाथ है। ना सत्ता का विधायक है, सत्ता का सांसद है, इसके बाद भी अनाथ। पर मैं इसको ढोल नहीं पीट रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। 4 ट्रेनें नहीं रुकती थी कोरोना काल में, मैंने करके दिखाया, आंदोलन किया, मैंने प्रदर्शन किया और वही भोजन डाल दिया, भोजन कड़ाही चढ़ गई। ये कड़ाही तब उतरेगी जब ट्रेन रुकेगी। वहाँ आए बड़े बड़े DRM आए, बड़े बड़ी बड़ी फोर्स लगी तमाम, और उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर आपकी ट्रेन रुकवाएंगे। 15वें दिन ठीक ट्रेन रुकी झंडा फहराने, और कोई चला गया और झंडा फहरा दिया। और फिर जब हमसे पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा कि हो गया कोई, हम क्या जाने कि कौन फहराया कौन नहीं। हमने कहा ऐसे तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक शब्द है का नाम ले लिया मैंने, वो नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा रोल रोल की तरह निवास करते हैं लोग आजकल, परिप्रेक्ष्य राजनीति की हूँ। जब मैंने उनका नाम ले लिया होगा कोई झंडा फहराया होगा, तो फिर मेरा पुतला जब दहन करने लगे, बैकुंठपुर में पुतला दहन हुआ, अतरेला में पुतला दहन।